हम आ गए हैं बाहर पार्क में और शिवाय को मैंने दूध की बोतल दे दी थी। शिवाय सो रहा है तो मेरे पास 1 घंटा है वॉक करने का या एक्सरसाइज, बट मैं आज योगा मैट लेकर आई हूँ तो मैं योगा करूँगी और कुछ सूर्य नमस्कार वगैरह करूँगी। तो आज का दिन हम स्टार्ट करते हैं योगा से। फ़ायदे भी हैं, ये वेट लॉस में हेल्प करता है। PCOD की प्रॉब्लम अगर है किसी को, तो वो अगर डेली ये 12 स्टेप करता है तो उसको काफ़ी हेल्पफुल होगा। शुगर लेवल डाउन करता है। तो आज का योगा हम यहीं एंड करते हैं और अब जाते हैं घर, क्योंकि लेट हो रहा है, 7:30 बज गया है। आंटी आ चुकी होंगी और नाश्ते में है हमारा कटलेट, ठाकुर साहब कटलेट खाएंगे और मैं म्यूसली खाऊंगी। गुड़ैल लगे हुए थे मैंने, तो गुड़ैल ले लिए हैं। अब आज इसकी बनेगी चाय। क्योंकि इसकी बात करें तो इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हेयर फॉल के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, कैस्ट्रॉल मेंटेन करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, अच्छी नींद आती है, PCOD की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हफ्ते में एक बार आपको भी ये चाय पीनी चाहिए। मेरे गुड़ैल में फूल आ गए, आज तो 2-2 फूल आ गए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ना जब ऐसे फूल आते हैं। और ये गमलों में पेंट मैंने ही किया है। चाय बनाना ना बहुत सिंपल है, ये जो लाल वाला है ना, बस इसको तोड़ लो और इसके ये जो पेटल्स हैं इसको अलग अलग कर लो और ऐसे डाल दीजिए आप इसमें। तो ये सारी पत्तियां आप अलग अलग कर लीजिए और कटलेट बनना है। बस ये वाला पार्ट नहीं डालना है, बस ये पत्तियां ऐसे डालना है। मैं बस इसको थोड़ा सा धुलूंगी और इसको पानी डाल के चढ़ाऊंगी। जब पक जाता है तो उसका कलर ऐसे हल्का पर्पल आ जाता है, तो मैंने इस पे थोड़ी सी डाल दी है चीनी, ऑलरेडी मैंने डाल दी है। शानदार क्रिस्पी कटलेट मैंने छोटे छोटे बनाए हैं ताकि शिवाय भी खा सके। ये हल्का सा डार्क शेड आ रहा है और ये मेरी म्यूसली है, बट जब हम इसमें लेमन डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, मैजिक रेड हो गया। और दोपहर के खाने में मैंने बनाया था पालक पनीर, चावल, रोटी और हम तीनों ने खा लिया है। अब जा रहे हैं हम सोने और शिवाय को भी सुलाऊंगी, सुबह का उठा हुआ है, मैं भी थक गई हूँ थोड़ा सा, तो एक छोटी सी नैप लूंगी। हमारी शाम की चाय और ये चूड़ा और ये रहा शिवाय का रागी एंड बिस्किट। तो ये है हमारा शाम का नाश्ता। और ये स्कूटर इनकी अपूर्वा मौसी ने दिया था, ये इनका फेवरेट स्कूटर है, इनको खूब मजे आते हैं इसको चलाने में, ही सो एक्साइटेड, पार्क जा रहे हैं ना, अलग ही खुशी है इनकी। शिवाय अपना स्कूटर लिए हुए हैं शिवाय, और इनको एक राउंड लगाएंगे, पार्क का लगवाएंगे, इनको मजे आते हैं स्कूटर पे, इसे बैठे रहेंगे पूरा राउंड लगवाओ पार्क का।
माई न्यू फ्रेंड निधि। ये अभी हम लोग पार्क में मिले और रेंडमली दोस्ती हो गई और ये बी टावर में रहते हैं सेम सोसाइटी में। सो निधि हमारे ब्लॉग्स देखती हैं, उनको अच्छे लगे और इनका भी यूट्यूब चैनल है ब्यूटी मंत्रा करके। तो इनके भी ट्विंस हैं, एक लड़का और लड़की, रुद्र एंड नव्या, राइट? नम्या, ओके। तो शिवाय को न्यू फ्रेंड मिल गए। निधि बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिल करके। इन एक्टिविटी रूम में टेबल टेनिस है और आज मैं टेबल टेनिस भी खेलूंगी बहुत सालों बाद। भैया लोग खेल रहे हैं इन लोगों के साथ। एक आने के बाद हम वापस आ गए गाड़ी में। डैडा ने कहा कि चलो हम आप लोगों को घुमाने ले चलते हैं कहीं। तो हम ऐसे ही छोटी सी ड्राइव पे आ गए। शिवाय को हमेशा की तरह डैडा के स्टेयरिंग पे बैठना था, इसलिए वो नाराज हो गए हैं, मुंह फुला के बैठे हुए हैं। तो अभी हम थोड़ा सा एक चक्कर मारेंगे, घूमें घामेंगे, उसके बाद जाएंगे और खाना खा के सो जाएंगे। पार्क के बाद हम वापस आ गए थे और खाना हमारा एक्चुअली सुबह मैंने बनाई थी पालक पनीर, तो वो सब्जी बच गई थी, तो हमने कहा रात में हम कुछ नहीं बनाने वाले हैं। तो पालक पनीर, रोटी और शिवाय को भी खाना खिला देते हैं। हाँ बेटा, झुमका, अभी भी इनको झुमका गाना सुनना है। अब खिलाने के बाद हम लोग अपना सो जाएंगे। दिन हमारा ऐसे ही गया, हमने योगा किया, मस्ती करी, शिवाय के साथ टाइम स्पेंड किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ। बाय बाय कर लो, झुमका भी दिखाएगी मम्मा। बाय करो, बाय किसी कर दो। ओ झुमका प्रिटी लेडी, प्रिटी लेडी। चलो बाय बाय बाय।